What did he fall on her? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता जनार्दन चैनल में आपका। मेरे साथ जो महिला बैठी हुई है इनसे मैं परिचय कराता हूं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा और इस मुद्दे के ऊपर और ये जो मुहिम लेके चल रहे हैं ये पूरे विस्तार क्रम में जानते हैं। मैं अपना परिचय दें। नमस्कार सभी बहनों का और सभी मीडिया का कि मैं बलविंदर कौर अपने 78 वार्ड से महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैं अपने वार्ड में सभी महिलाओं से ये एक मेरी 16 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे हुंकार रैली है रामलीला मैदान में, उसके अंतर्गत हम लोग सभी प्रदेश से अपने पूरे दिल्ली के सभी महिलाओं से सभी बहनों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब आएं और इस रैली को सफल बनाएं। देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत संगम विहार में ये 78B ये वार्ड नंबर है और इस वार्ड नंबर पे जो मौजूदा निगम पार्षदा है माया बिष्ट जी है और इनके ऑफिस में इस मुहिम के तहत आज बलविंदर कौर मैडम जो है इन्होंने बताई है पूरे विषय क्रम में किस तरीके से प्रदेश में इन्होंने ये हुंकार रैली को प्रायोजित किया है। जी, हम इसमें हमारी पूरी महिला शक्ति, पूरा प्रदेश, पूरा जिला, पूरे मंडल, सभी लोग इसमें बहुत कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी जिले की महिलाएं, मेरे साउथ जिले की महिलाएं जिसमें 20 मंडल आते हैं और मेरी जितनी भी महिला शक्तियां और जिले की महिलाएं हैं, मंडलों की महिलाएं हैं, सबने पूरा जोर लगा रखा है। और कल भी हमारा पूरे गोविंदपुरी में, कालकाजी में और बदरपुर में सब जगह, मतलब आपको ये बताएं कि सभी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। सारी मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी टीमें, हमारी जिले की टीमें, हमारी प्रदेश की टीमें जगह जगह हर एक महिलाओं को बता रहे हैं। और ये काम अब से नहीं है, आज एक दो दिन से नहीं हो रहा, ये कम से कम हमारा एक महीने पहले से ही लगातार सुचारू रूप से चल रहा है काम। और इसमें हमारा पूरा, हमें पूरे पता है कि भी इसमें महिलाएं बहुत तादाद में आएंगी जी। मुद्दा जो है, ये विषय जो है और ये मुहिम जो है, ये मुहिम क्या है, मतलब किस लिए आप लोग एकत्रित हो रहे हैं और इतने सारे महिलाओं को आह्वान करने का क्या कारण है? क्योंकि नारी शक्ति जो है समाज में सबसे बड़ी शक्ति है, सभी को पता है। नारी शक्ति जिसके साथ है तो वो इंसान, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे राजनीति हो, तो सब हर विषय में वो विजय जिसको कहते हैं वो बिल्कुल विजय सुनिश्चित हो। कौन सी मुहिम को लेकर आप लोग इतनी बड़ी जो हुंकार रैली की जो प्रायोजित ढंग से आप लोग करना चाह रहे हैं, क्या मुहिम है? मुहिम मेरी एक ही है, मैं बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, मेरा संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है और संगठन में मेरे जो सर्वोपरि है हमारे प्रिय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जिनको हमने आज से 4 साल पहले भी जितवाया था और इतने भरपूर मात्रा में उन्होंने काम किया है अपने देश के लिए। आज जो मेरा देश आज सर्वोत्तम दिशा पे चल रहा है और उसके बावजूद कभी हमारे देश का इतना नाम नहीं था, आज मेरे पूरे दुनिया में हमारे डंका बजा हुआ है भारत वर्ष का। किसने करवाया है? ये करवाया है हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। और आज जो हमारे महिलाओं का जो इस टाइम पे जो हुंकार रैली है वो चल रही है कि हम लोग मोदी जी को दोबारा लाना है, इसके बिना हमारे पास कोई दूसरा और कोई वो है ही नहीं, हमें मोदी जी को लाना है। मोदी जी के लिए ही ये रैली हम लोग लगा रहे हैं और इसमें मेरी सबसे यही अनुरोध है कि देश को बचाना है और मोदी जी को लाना है। बीजेपी की ये जो रैली की बात करें तो कितनी यूनिटी है, क्या कुछ झलकी देखने के लिए मिल पाएगी हमें? महिलाओं की बात करें तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये पैम्पलेट को मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से ये पैम्पलेट छपाया गया है और इस तरीके से ये रैली को प्रायोजित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और उम्मीद है कि 16 दिसंबर को बहुत तादाद में वहां पे महिलाएं आएंगी और ये रैली को सफल बनाएंगी। हमारे साथ जो मौजूद है उदयराम मास्टर जी हैं, इनके साथ बात करते हैं और जानते हैं दिसंबर 16 में ये जो हुंकार रैली, महिलाओं की जो रैली निकलने वाली है, इस रैली के संबंध में क्या बोलेंगे और क्या कुछ इस उपलक्ष में किस तरीके से महिलाएं आएंगी और इनकी जो मुहिम को लेके, ये मुहिम का जो मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर क्या कुछ रोशनी डालेंगे, किस तरीके से आप लोग ये यहाँ से 78B जो संगम विहार वार्ड से आप लोग ये परिचालित करके ये यहाँ से जो एक मुहिम लेके चल रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे सर? देखो जी, ऐसा है कि 16 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में एक महिला हुंकार रैली है और हुंकार तभी भरी जाती है जब
हमारे अंदर जोश होता है और मोदी जी ने जो काम किया है उसको लेकर सभी भारतीयों के अंदर जोश है और उस जोश को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर हुंकार भरने की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। और इस हुंकार से जो 16 तारीख की जो हुंकार है ये पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा, भारत नहीं बल्कि विदेशों तक जाएगा कि अभी मोदी जी का वर्चस्व बरकरार है और 2019 में ही वो भारत के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो अभी चुनाव खत्म हुआ है तो ये राज्यों में जो आप लोगों की कहीं ना कहीं इसको हार ही मानना पड़ेगा क्योंकि जब मैंडेट नहीं मिला, जब सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, तो इस हार से क्या सीख मिलती है और किस तरीके से चिंतन और मंथन करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से फिर दोबारा से इकट्ठित होके पार्टी में जो शक्ति थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डगमगा गई है शक्ति को आप लोग इकट्ठित करके 2019 को मद्देनजर रखते हुए आप लोग किस तरीके से इसको फिर पार्टी में करेंगे आने वाले समय में? देखो ये क्षेत्रीय मामला है, स्टेटों का मामला है और केंद्र का मामला एक अलग होता है, वो पूरे भारत का होता है। और ये राज्यों का मामला है, इसमें सीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि सीएम ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, कितना जनता उनसे खुश है, कितना नहीं है। हालांकि जो चार राज्यों में ये हार हुई है उससे ग्राफ कम नहीं हुआ है, ग्राफ तो उतना ही है, बाकी नेतृत्व में कहीं ना कहीं हमारे नेताओं से चूक हो गई है, इसलिए वो इतना हम कर नहीं पाए कि हम दोबारा सरकार के मतलब सक्षम हो जाएं बना। ठीक है, तो आप आने वाले समय में सोचते हैं 2019 का, मैं फटाफट से सवाल करता हूं आपसे और जानकारी के लिए आप बताएं जनता को कि क्या कुछ 2019 में आप लोग दोबारा से आ पाएंगे सवाल? हाँ जी, क्योंकि महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने सम्मान दिया है, महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, अगर उसको आंका जाए तो आज मोदी जी ने जो महिलाओं के साथ में जो आतंक होता था, जो कुरीतियां थी, मोदी जी ने ये नहीं देखा कि कौन से धर्म से है, किस जाति से है, उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक माना, एक समझा और उस राष्ट्र को लेकर के उन्होंने काम किया। इसलिए आज जो महिलाओं के साथ में जो सम्मान मिल रहा है ये सिर्फ मोदी जी की देन है और इसलिए महिलाओं के अंदर जोश और रोष है कि हम दोबारा मोदी जी को चाहते हैं। तो महिला दोबारा से चाहते हैं, 2019 को भी देखते हुए और नजर में रखते हुए देखना बाकी रहेगा, 2019 बहुत नजदीक है, दिसंबर के आधे महीने में हम पहुंच चुके हैं, 15 तारीख होने वाली है और अगर आचार संहिता का एक महीना काट दिया तो लगभग ढाई तीन और तीन या चार महीना इसी बीच में ये खेल होने वाला है और ये चुनावी जंग में देखना पड़ेगा किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। बहरहाल जो महिलाओं की ये जो रैली निकलने वाली है सबसे बड़ा मुद्दा है, इस विषय पे थोड़ी से हम देखेंगे कि कितनी इनमें एक जो एक यूनिटी है उस यूनिटी को देखने के लिए थोड़ी सी झलकी देखने के लिए देखते हैं एक नई रिपोर्ट। लोग देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम महिलाएं मौजूद है और नारी शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। दिसंबर 16 को एक हुंकार रैली की प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है और इस रैली को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो महिला मौजूद है इनसे बात करते हैं और जानते हैं 2019 को जो चुनाव होने वाला है चुनाव में मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत 78B जो वार्ड नंबर है यहाँ से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और रैली को दिशा निर्धारित करने के लिए यहाँ पे ये महिला मौजूद है। मैडम आप लोग किस तरीके से मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, क्या चाहते हैं? मैं संगम्यार से बोल रही हूँ, दीपा देवी रावत जी। मैं हुंकार रैली में 16 तारीख को मोदी जी को लाना चाहते हैं। ये देखिए ये मोदी जी को लाना चाहते हैं। तो ये हर हर मोदी और घर घर मोदी के बारे में मैडम आप क्या क्या बोलेंगे, किस तरीके से रैली को आप संगठित करेंगे, कितनी उम्मीद है कि किस तरीके से जो है आप कर पाएंगे, हो पाएगी ये रैली बढ़िया तरीके से आप सुचारू रूप से कर पाएंगे? जी 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 बहुत अच्छी तरह से आपके सामने है मेरी महिला शक्ति, ये तो एक दाना है, ये तो एक छोटा सा एक वो है आपके सामने और आप सोचिए कि जब ये इतनी महिलाएं इतने जोश के साथ आपके सामने बोल रही हैं तो सोचिए जब हमारे रामलीला मैदान में पूरी दिल्ली की महिलाएं आएंगी तो कितना जोश और कितनी तादाद होगी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप खुद देखेंगे। और हमारी महिलाएं शक्ति पूरी इस बात के लिए तैयार है, अपनी सभी बहनों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जरूर आए सवेरे प्रातः 11 बजे 16 तारीख को 2019 के लिए, हमें अपने देश को बचाना है और मोदी जी को, देश को बचाना है और मोदी जी को,
देश को बचाना है और मोदी जी हर हर मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये रैली मेरी दो मुद्दों की है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष है पूनम प्रकाश झा जी ने भी यही बात बोली है कि ये मुद्दे दो हैं हमारे, एक 2019 में मोदी जी को लाना है और दूसरा मुद्दा मेरा ये है, मेरी बहनें कहाँ जवाब देंगी 2020 में केजरीवाल को इस देश से हटाना है, अपने प्रदेश से दिल्ली प्रदेश से बिल्कुल हटाना है। तैयार है महिलाएं? तो 2020 के चुनाव में भी हमें केजरीवाल को जड़ से हटाना है, तो ये देखना बाकी रहेगा, समय बताएगा। बहरहाल ये जो दिसंबर 16 को जो रैली निकलने वाली है इसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं तमाम महिला यहाँ पे मौजूद है, नारी शक्ति मौजूद है और नारी शक्ति की तरफ से यही कहना है कि दोबारा से मोदी जी को लेके आना है और मैंडेट दोबारा से जो बीजेपी को मिले, इस तरीके से ये तमाम महिला शक्ति जो है आप ये देख सकते हैं, उम्मीद करेंगे और देखना बाकी रहेगा किस तरीके से दिसंबर 16 की जो रैली इन लोगों के जरिए सफल होती है या नहीं होती है। तो जुड़े रहिए जनता जनार्दन चैनल के साथ, दिसंबर 16 के बाद भी हम दिखाएंगे और किस तरीके से वो रैली को सुचारू रूप से किया जा रहा है और कितने तादाद में महिलाएं आएंगी वहां पे, उस रिपोर्ट को भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बार बार दिखाते हैं, खासकर देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत और दिल्ली NCR और इंडिया लेवल में जितने भी न्यूज होती है हम आपको यथासंभव कोशिश करते हैं, हमारी पूरी मेहनत लगा के आपके पास पहुंचाते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लगातार जनता जनार्दन। जय हिंद, जय भारत।